सिंगरौली जिले के तीनों विधानसभा क्षेत्र सिंगरौली, देवसर और चितरंगी में भाजपा ने जीत हासिल की है। यहां भाजपा की आंधी में सभी दल उड़ गए। सिंगरौली जिले की सिंगरौली विधानसभा से भाजपा के प्रत्याशी ने 74,669 मत प्राप्त किए, तो वहीं कांग्रेस प्रत्याशी रेणु शाह को 36,692 मत मिले और भाजपा प्रत्याशी राम निवास शाह ने 37,977 मतों से जीत हासिल की। देवसर विधानसभा क्षेत्र के भाजपा प्रत्याशी राजेंद्र मेश्राम को 88,660 मत मिले, तो वहीं कांग्रेस प्रत्याशी वंश मणि वर्मा को 66,206 मत मिले और भाजपा प्रत्याशी राजेंद्र मेश्राम ने 22,454 मतों से जीत हासिल की। इसी तरह चितरंगी विधानसभा क्षेत्र में भाजपा प्रत्याशी राधा रविंद्र सिंह को 1,54,010 मत मिले और कांग्रेस प्रत्याशी मानिक सिंह को 45,531 मत मिले और भाजपा प्रत्याशी राधा रविंद्र सिंह ने 59,879 मतों से जीत हासिल की। भाजपा के नवनिर्वाचित विधायकों ने अपनी इस जीत का श्रेय संगठन, कार्यकर्ताओं और लाडली बहनों को दिया। कड़ी संघर्ष तो कोई भी चुनाव हो, छोटा बड़ा हो, तो वो तो संघर्ष करना ही पड़ता है। हमारे चितरंगी विधानसभा के पार्टी के कार्यकर्ताओं का धन्यवाद, उन्होंने बहुत अच्छा मेहनत किया है, इसलिए जीत भी हुआ है। काम बचा है उनको मैं फर्स्ट प्रायोरिटी में रखी, जहाँ रास्ता कमी है उनको मैं पहले ध्यान में रखी हूँ, मुझे क्या क्या करना है। मेरे लाडली बहनों और मेरे चितरंगी के जितने जनता है और कार्यकर्ता है, सभी का धन्यवाद भी। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, पार्टी चुनाव जीतती है। भारतीय जनता पार्टी पंडित दीनदयाल उपाध्याय के कार्यकाल विचारधारा से चलती है। हमारा गरीब कल्याण और क्षेत्र और देश के विकास में सर्वश्रेष्ठ योगदान है। हमारे नेता माननीय नरेंद्र मोदी जी, हमारे नेता माननीय शिवराज जी चौहान जी, अमित शाह जी, तमाम हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से प्रदेश अध्यक्ष जी, सभी का मेहनत है और जनता का उनके प्रति स्नेह और प्यार है जो राम निवास को भी मिला है। हम बहुत बहुत धन्यवाद जनता को। लाडली बहना और लाडले भैया दोनों का प्यार राम निवास को मिल गया, बहुत बहुत धन्यवाद। तीनों विधानसभा भारतीय जनता पार्टी जीत नहीं रही है, प्रदेश में सरकार बना रही है, स्पष्ट बहुमत की सरकार, 150 से ऊपर सीटें जीत करके हमारे नेता के जो विकास की योजनाएं हैं, गरीब कल्याण की योजनाएं हैं, जो देश को आगे ले जाने का काम कर रहे हैं और प्रदेश को आगे ले जाने का काम कर रहे हैं। आप सब जानते हैं 2003 के पहले ही मध्य प्रदेश में बीमारू राज की श्रेणी में था, ना बिजली थी, ना पानी था, ना सड़क था। आज हम ग्रोथ कर रहे हैं, सिंगरौली को जिला बनाया, मेडिकल कॉलेज बनाया, इंजीनियरिंग कॉलेज बनाया, तमाम कई सड़कें बना करके हम विकास की ओर जा रहे हैं। पूरे क्षेत्र की जनता को भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित दल है और भारतीय जनता पार्टी के पास कार्यकर्ताओं की एक बहुत बड़ी टीम है और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ही चुनाव लड़ता है। ये जीत निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की है। जनता पार्टी के प्रचंड बहुमत हासिल करने पे मैं सभी कार्यकर्ताओं के अधिक अथक परिश्रम जो कार्यकर्ताओं ने किया है उसके लिए कार्यकर्ताओं को बधाई और धन्यवाद देना चाहता हूँ, उनको शुभकामनाएँ देना चाहता हूँ तथा जनता ने जो अपार स्नेह दिलाया है इसके लिए जनता के प्रति आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। सच में हमारी लाडली बहनें आशीर्वाद के स्वरूप, सब कुछ वापस सूद समेत आशीर्वाद के स्वरूप भारतीय जनता पार्टी को वापस की है। ये अद्भुत सफलता, हम लोगों को पहले भी अंदाज था कि सिंगरौली जिले में तीनों सीट हम लोग जीत रहे हैं और प्रचंड बहुमत से जीतेंगे, ये भी अंदाज था। ये मेरा व्यक्तिगत प्रयोग नहीं था, ये पार्टी बहुत सोच समझ के विचार करके निर्णय लेती है, केंद्रीय चुनाव समिति ने निर्णय लिया और ये प्रयोग ये कहा जाए कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी की रणनीति, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष बीडी शर्मा जी का कुशल नेतृत्व, शिवराज जी की योजनाओं का लाभ और मोदी जी की लोकप्रियता और कार्यकर्ताओं का अथक परिश्रम, इसके कारण आज हम सब लोग सफल। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।